गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुंजन चौहान। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी विल डू चैप्टर 6, अब्दुल्ला एंड हिज ग्रीड। वार्म अप। व्हाट थिंग्स डू यू वांट? व्हाट थिंग्स डज एवरीवन नीड? क्या चीज़ें होती है जो तुम चाहते हो और क्या चीज़ों की ज़रूरत सभी को पड़ती है? राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। थिंग्स आई वॉन्ट, हमें क्या क्या चाहिए रहता है? आइसक्रीम, टी वी इन माई बेडरूम, असाइंड क्रिकेट बैट, केक्स, एपेड। ठीक है। थिंग्स एवरी वन नीड, क्या क्या ज़रूरत रहती है सभी को? वाटर की, क्लॉथ्स की और फूड की। ओके। इन बगदाद देयर वंस लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम्ड अब्दुल्ला। बगदाद में एक अब्दुल्ला नामक एक अमीर व्यापारी रहता था। ही ऑन 80 कैमल्स विच ही हायर्ड आउट टू अदर मर्चेंट्स। उसके पास 80 ऊँट थे जो उसने अन्य व्यापारियों को किराए पर दिए थे। अब्दुल्ला ऑल्सो ब्रॉट गुड फ्रॉम स्मॉल ट्रेडर्स एंड सोल्ड देम इन फार वे मार्केट्स। ही वॉज रिच बट ही वॉज वेरी ग्रीडी टू। अब्दुल्ला ने छोटे व्यापारियों से भी अच्छी कमाई की और उन्हें दूर के बाजारों में बेच दिया। वह अमीर तो था लेकिन वह बहुत ही लालची भी था। ओके। वंस अब्दुल्ला वॉज रिटर्निंग टू बगदाद फ्रॉम अनदर टाउन। एक बार अब्दुल्ला दूसरे शहर से बगदाद लौट रहा था। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री एंड डिसाइडेड टू रेस्ट एट एन इन। वह बहुत थका हुआ था और भूखा भी था और एक सराय में आराम करने का उसने फैसला किया। इन मतलब सराय। इनसाइड द इन अब्दुल्ला सॉ अ हॉली मैन। उस सराय के अंदर अब्दुल्ला ने क्या देखा? एक हॉली मैन, मतलब जो पवित्र इंसान होता है उसको हॉली मैन कहा जाता है। ठीक है। तो अब्दुल्ला ने क्या देखा? एक हॉली मैन देखा। ही सून स्टार्टेड टॉकिंग टू द हॉली मैन। उसने जल्द ही वो हॉली मैन से बात करना स्टार्ट कर दिया। आई एम अ मर्चेंट एंड आई ऑन 80 कैमल्स, बोस्टेड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने क्या कहा? दावा करते हुए कि मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास 80 ऊँट हैं। ठीक है। 80 कैमल्स कैन कैरी अ लॉट ऑफ ट्रेजर, सेड द हॉली मैन। हॉली मैन ने क्या कहा कि 80 ऊँट बहुत सारा ट्रेजर, मतलब खजाना जो है वो ले जा सकते हैं। ट्रेजर से आस्क अब्दुल्ला, यस। खजाना? अब्दुल्ला ने कहा हाँ। 1,000 miles फ्रॉम हियर देयर इज अ लैंड ऑफ ट्रेजर, सेड द हॉली मैन। यहाँ से 1,000 मील की दूरी पर एक जमीन है जहाँ पर बहुत सारा खजाना है, ऐसा उस हॉली मैन ने कहा। द मैन कंटिन्यूड, There is so much wealth in this land that even if you load your 80 camels, it will not even be half empty. आदमी ने कहा इस देश में इतनी संपत्ति है कि अगर आप अपने 80 ऊँटों को लोड करते हैं तो यह आधा खाली भी नहीं होगा। Hearing this, Abdullah pleaded with the holy man to take him there. यह सुनकर अब्दुल्ला ने हॉली मैन से उसे वहाँ ले जाने की विनती की। On one condition, एक शर्त पर, said the holy man, ऐसा हॉली मैन ने कहा। Half the treasure will be mine. आधा जो खजाना होगा वो मेरा होगा। अब्दुल्ला वॉज नॉट हैप्पी। अब्दुल्ला जो था वो खुश नहीं था। बट ही एग्रीड, बट वो सहमत हो गया, मान गया। एंड दे बिगन देयर लॉन्ग जर्नी टू द लैंड ऑफ ट्रेजर। और उन्होंने ट्रेजर पर जाने की जो अपनी यात्रा थी वो शुरू कर दी। आफ्टर मैनी डेज दे फाइनली रीच अ माउंटेन। बहुत दिनों के बाद वे आखिरकार एक पहाड़ पर पहुँचे। हियर द हॉली मैन टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स। यहाँ जो हॉली मैन थे उन्होंने एक
छोटा बॉक्स निकाला। ही थ्रू सम पाउडर फ्रॉम द बॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड स्पोक सम वर्ड्स। उन्होंने क्या किया, बॉक्स पर से कुछ पाउडर निकाला और जमीन पर फेंक दिया और कुछ शब्द बोले। हैज ही डिड सो देयर अपीयर्ड एंड ओपनिंग इन द माउंटेन। जब उन्होंने ऐसा किया तो पहाड़ में पहाड़ जो है वो खुलता हुआ दिखाई दिया। दैट इज द पाथ टू द ट्रेजर। ये जो है वो खजाने तक जाने का रास्ता था। सेड द हॉलीमैन। हॉलीमैन ने ऐसा कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ट्रम स्टक बाय ऑल डैट वॉज हैपनिंग। अब्दुल्ला फॉलोड द हॉली मैन इन टू द केव डीप इन साइड द माउंटेन। अब्दुल्ला को समझ नहीं आ रहा था, वो बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि ये क्या चल रहा है, लेकिन तो भी वो गुफा के अंदर पहाड़ के अंदर ठीक है हॉली मैन को फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एंड वॉट अब्दुल्ला सॉ देयर मेट हिम ग्रास्प। और क्या अब्दुल्ला ने देखा और जम के सांस ली और सरप्राइज हो गया। ऑल अराउंड हिम वर गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। उसके चारों ओर सोने के सिक्के थे और कीमती पत्थर थे। अब्दुल्ला क्विकली बिगन फिलिंग हिज सैक विथ ट्रेजर। अब्दुल्ला ने जल्द से अपनी बोरियों को खजाने से भरा। व्हेन द सैक वर फिल्ड दे क्राइड देम आउट एंड लोडेड देम ऑन द कैमल्स। जब बोरे भर गए तो उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और ऊँटों पर लाद दिया। सून दे हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड लोडिंग ऑल द कैमल्स। जल्दी ही उसने सारे कैमल्स पर जो खजाना था वो रख दिया। जस्ट वन मोर कैमल एंड आई शैल बी द रिचेस्ट मैन इन अरेबिया। सिर्फ एक ऊँट और फिर वो अरेबिया मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, ऐसा अब्दुल्ला ने कहा। सैड अब्दुल्ला। द होली मैन इंटरप्टेड। जो होली मैन था उन्होंने उसको बीच में टोका। डोंट फॉरगेट यू हैव टू गिव मी 40 कैमल्स। तुम मुझे 40 ऊंट दोगे, ये मत भूलना अब्दुल्ला। ओके, अब्दुल्ला वॉज नॉट हैप्पी विथ दिस। अब्दुल्ला इससे खुश नहीं थे। दे फिल्ड सैक एंड हैज दे वर अबाउट टू कम आउट ऑफ द केव ग्रीडी अब्दुल्ला स्पोक। उन्होंने बोरी भर दी और जैसे ही वे गुफा से बाहर आने वाले थे लालची अब्दुल्ला ने बात की। ओ होली मैन, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, तुम भगवान के आदमी हो। What do you want with so much wealth? तुम इतनी दौलत के साथ क्या करोगे, क्या करना चाहते हो? I will give you 20 camels. मैं तुम्हें 20 ऊँट दे दूँगा। Let me have the rest. मुझे आराम करने दो। All right, Abdullah, said the holy man. सब ठीक है अब्दुल्ला, हॉली मैन ने कहा। द थॉट ऑफ इवन पार्टिंग विथ 20 कैमल्स वॉज टू मच फॉर अब्दुल्ला। 20 ऊँटों के साथ भी मतलब समझौता करना अब्दुल्ला के लिए बहुत ज़्यादा था। ओ हॉली मैन, वॉट यूज आर रिचेस व्हेन यू हैव गॉट, लेट मी टेक द 20 कैमल्स टू, ही सेड क्लेवरली। All right, take all the camels, said the holy man. You must give me that box with the magical powder too, said Abdullah greedily. Holy man को कहा अब्दुल्ला ने, जब भगवान होते हैं तो धन का क्या उपयोग होता है, मुझे 20 ऊँट भी लेने दो। तो होली मैन ने बोला ठीक है सभी ऊँट ले लो। फिर अब्दुल्ला ने लालच में कहा कि तुम मुझे वो बॉक्स जो है मैजिक कल पाउडर का वो भी मुझे दे दो। द होली मैन नाउ न्यू डैट अब्दुल्ला वॉज बींग वेरी ग्रीडली। ही सेड दिस पाउडर मे बी वेरी डेंजरस इफ नॉट यूज्ड वाइजली।
If you rub the powder on your left eyelid, you shall be able to see all the hidden treasures of the world. But if you rub it on your right eyelid, you will turn blind in both eyes. होली मैन अब जानता था कि अब्दुल्ला बहुत लालची था. उन्होंने कहा अगर बुद्धिमानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह शक्ति बहुत खतरनाक हो सकती है. यदि आप अपनी बाई पलक पर ये लगाते हैं तो आप दुनिया के सभी छिपे हुए खजाने देख पाएंगे, लेकिन आप अगर इसे अपनी दाहिनी पलक पर लगाते हैं तो आप लगाते हैं या रगड़ते हैं तो आप अंधे हो जाएंगे. I will use it wisely, said Abdullah. मैं इसे बुद्धिमानी से उपयोग करूँगा, अब्दुल्ला ने कहा. So the holy man gave him the box of magic powder and left. इसलिए जो holy man था उन्होंने उसे जादू का डब्बा दे दिया और छोड़ दिया. Now Abdullah thought, Let me test the magic powder and see if it really works. अब अब्दुल्ला ने सोचा मुझे जादू के पाउडर का इस्तेमाल करने दो और देखो कि क्या यह पाउडर जो है वो वास्तव में काम करता है. So he rubbed the powder on his left eyelid. To his amazement, he could see treasure under the ground where he stood. इसलिए उन्होंने अपनी बाई पलक पर वो पाउडर रगड़ा. वो जिस जहाँ खड़े थे उस जमीन के नीचे वो खजाना देख सकते थे. This is wonderful, he cried out, when I can see so much with one eye. I should be able to see much more with both eyes. Abdullah then took the powder and rubbed it on his right eyelid too. यह अद्भुत है, वह रो पड़ा. जब मैं एक आँख से इतना कुछ देख सकता हूँ तो मुझे दोनों आँख से बहुत कुछ देखना चाहिए. अब्दुल्ला ने अपनी दाहिनी पलक पर भी वो पाउडर लगा लिया, रगड़ लिया. As soon as he applied the powder to his right eyelid, he screamed, My God, I cannot see a thing. I have gone blind. Someone please help me. Oh, holy man, where are you? Please help me. जैसे ही उसने वह पाउडर जो है अपनी दाई आँख में लगाया वह चिल्लाया, Oh God, I cannot see a thing. मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ. Please मेरी कोई मदद करो. फिर वो बोलते हैं, होली मैन तुम कहाँ हो, मेरी सहायता करो. अब्दुल्ला मैनेज टू स्टेगर आउट ऑफ द केव, बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प अब्दुल्ला. ही पेड अ हैवी प्राइस फॉर हिज ग्रीड. अब्दुल्ला जैसे तैसे वो जो गुफा थी वहाँ से बाहर निकला, लेकिन अब्दुल्ला की मदद करने वाला कोई नहीं था. उसे अपने लालच की भारी कीमत चुकानी पड़ी. ठीक है, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए. थैंक यू.